I got something, something to say. Business active Rashid Ali. मैंने आपके लिए जगह सर्च की है, ये 80 एकड़ जगह है और आप इसमें एक तरफ राइट साइड पे किन्नों के बाग हैं और लेफ्ट साइड पे मक्की लगी हुई है, मक्की के साथ माल्टे के बाग आ गए और ये बिल्कुल मेन के ऊपर इसका फ्रंट भी है और बैक भी है इसकी और बिल्कुल अच्छी आइडियल लोकेशन है और ये देखें हरियाली ही हरियाली है हर तरफ और इसमें ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और इस ज़मीन का अपना ही ट्रांसफार्मर है 25 KV का और बिल्कुल मुनासिब और अच्छी प्राइस भी है। ये बड़ी आपके लिए बेस्ट और बड़ी ही मुनासिब जगह है। ये देख रहे हैं आप किन्नों के बाग लगे हुए अच्छे अच्छे, इसमें आपको अगर आप बाग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और किसी भी किस्म की फसल आपकी बड़ी अच्छी ही हो सकती है। ये आप देखें मक्की की लगी हुई है, हरियाली ही हरियाली है और मक्की के बिल्कुल साथ ही किन्नों के बाग हैं और इसमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और इसमें देखें आप पानी इसका बड़ा साफ़ है। जी मैं हूँ मोहम्मद सहीम फैसल, CEO फैसलाबाद रियल्टर्स और मेरे साथ मेरी टीम के होनहार जो मेंबर हैं राशिद अली। आज राशिद अली ने माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रकबा आप दोस्तों के लिए निकाला है। ये रकबा आलमोस्ट कोई 80 एकड़ है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो ग्राउंड वाटर भी है और इसके अंदर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। ये राशिद अली को मैं दाद देना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह इसने, ये देखें सर आप, ये देखें हरियाली हरियाली हर तरफ, इधर भी देखें अमरूदों के बाग लगे हुए हैं आपके सामने। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस तरफ आपके पास अमरूदों के बागात हैं और इस तरफ देखें, और ये जो अभी पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मक्की के खेत हैं, मक्की के खेत के उस तरफ अगर हम देखें तो जो ना वो यहाँ पर किन्नुओं के बागात हैं। तो ये बहुत अच्छा रकबा है राशिद, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वर्किंग की है और बहुत ज़बरदस्त रकबा ये लेकर आए हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रकबा इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई जो दोस्त भी लेगा, जो दोस्त भी इस रकबे को परचेज़ करेगा, इसका ठेका कितना आ रहा है? 40 लाख। 40 लाख माशाल्लाह इसका ठेका जी, राशिद ने मुझे बताया है। आप दो सोच रहे होंगे 50,000 पर एकड़ इसका ठेका है और ही मुनासिब और अच्छा इसका ठेका है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये मुझे आप ये बताएं कि इसका रोड के ऊपर फ्रंट भी मौजूद है? फ्रंट भी मौजूद है इसका, 4 एकड़ का फ्रंट है इसका, 4 एकड़ का माशाल्लाह इसका मेन रोड के ऊपर फ्रंट है और इसके साथ जो वो दूसरा लिंक रोड जा रहा है उसके ऊपर मेरे ख्याल में इसका कोई 1000-2000 लगता है। वो कुछ 5-7 एकड़ का गालबन उस साइड पे भी फ्रंट है, अभी हम जाएंगे उस साइड पे भी तो आपके साथ शेयर करेंगे इसका फ्रंट। तो ये किन्नू ये पीछे बैक पे ये बिल्कुल हरियाली हरियाली है, ये देखिए बाग, इसके साथ ही किन्नू के बाग है माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट रकबा है ये वाला। राशिद योर ग्रेट वर्किंग, दिस इज द आइडियल लैंड फॉर द एग्री फार्मिंग, फॉर द टनल फार्मिंग, फॉर द कंट्रोल शेड, मतलब ईच पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये रकबा मोटरवे से हार्डली, मोटरवे से आप बता रहे थे राशिद, ये मुझे रकबा बिल्कुल करीब पड़ता है, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, इधर से नजर आती है मोटरवे ना, ये देखे सामने नजर आ रही है मोटरवे। हाँ ये अमरूदों के बागा से अगर थोड़ा सा कैमरा हम ऊपर करके देखें तो, लेकिन शायद बाहर जाके हम देखेंगे ये मोटरवे बिल्कुल करीब है यहाँ पे। अच्छा सर, आपके ख्याल से ही मैंने ये रकबा सर्च आउट किया है तो आपके ख्याल से ये किसको किसके लिए बेस्ट है और क्या 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 चीज़ें इसमें हो सकती हैं? राशिद एक तो सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रकबा जो 80 एकड़ वर्किंग की है और मैं अगर दोस्त फील ना करें तो मैं ग्लासेस लगा लूँ चूँकि धूप पड़ रही है सीधी मेरे पास है। अच्छा ये रकबा राशिद आपका जैसे क्वेश्चन था, ये रकबा एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। अब आप पूछें कि एग्रीकल्चर के लिए क्यों अच्छा है, आपको भी वजह बताओगे क्यों अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए? सर इसमें पानी की जो पानी बहुत अच्छा है इसका, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पानी बहुत अच्छा है इसका, पानी बहुत अच्छा है, जमीनी पानी बहुत मीठा है, रमजान था मैंने तो कुली करके ही पानी चेक किया है और मीठा पानी है। अच्छा अगर आप देखें तो ट्यूबवेल हम जो जमीनी वाटर था ट्यूबवेल वाला बहुत अच्छा था, फिर जो नहरी पानी आ रहा है, नहरी पानी तो डेफिनेटली इस रकबे का बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखें कि ये क्यों अच्छा है रकबा, वजह बताएं आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपके पास इजी अप्रोच है, इजी मोटरवे के बिल्कुल पास है, मोटरवे के बिल्कुल पास है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, जिस जगह की एक्सेस बहुत अच्छी होगी उस रकबे पे आप दिन रात कोई भी एक्टिविटी कर लें, कोई भी वर्किंग कर लें तो वो रकबा बहुत परफेक्ट होता है। टनल फार्मिंग के लिए रकबा बहुत अच्छा है, चूंकि टनल फार्मिंग होती है कि आपकी सिटी एरिया के करीब तरीन जो है ना वो लोकेशन पे टनल फार्मिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ताकि कभी कोई इशू हो तो फौरी तौर पे आपकी एक्सेस हो सके। अच्छा इसी तरह आप इस रकबे को जो है ना वो फार्म हाउसेज के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं, मतलब आप छोटे छोटे फार्म हाउस अगर किसी ने बनाना हो। अच्छा जो फॉरेन इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे दोस्त इस वक्त एग्री फार्मिंग में जो है ना वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये चूंकि
रकबा सिटी के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल सर जी, पास पास ही सिटी एरिया है और बहुत पावरफुल ताकतवर ये लैंड है। और आप जानते हैं कि जिस रकबे में बाग हो, बाग की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से भी ये रकबा बहुत आइडियल है, क्योंकि इसमें दो बागात आते हैं, एक तो अमरूद का आता है, उसके बाद किन्नू का आता है, दो बागात किन्नू का आता है, उसके बाद अभी गंदम की कटाई हुई थी, बहुत ही आइडियल गंदम निकली है। और अभी मक्की आपको नजर आ रही होगी, मक्की देख लें खड़ी है, गन्ना यहाँ पे बहुत अच्छा, शुगर कैन की जो यहाँ पे फसल होती है वो भी कहते हैं जी बहुत अच्छी जो है ना ये शुगर कैन की फसल है। तो इतनी खसूसियात के साथ अगर हम देखें तो ठेका भी इसका कितना आ रहा है, 40 लाख, 40 लाख सालाना ठेका, यानी 50,000 पर एकड़ इसका जो ना वो ठेका है। अब हमारे बड़े माशाल्लाह अच्छे बुजुर्ग हैं और ये रकबे बहुत अच्छे अच्छे निकाल कर लेके आते हैं, इनको भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा अख्तर साहब, आपने ये रकबा देखा था, आप मुझे बताएं कि इस रोड पर तो आप बता रहे हैं इसका फ्रंट है 4 एकड़ का, ये पीछे जो जो कारपेटेड रोड है, अच्छा एक रोड आपने बताया कि ये गाँव में जा रहा है कोई, ये इस पर कितना फ्रंट है इसका, इसके ये गाँव को कच्चा रोड जा रहा है, तकरीबन 2 मरबे का फ्रंट उसके ऊपर है, वहाँ से लेके पूरा इस साइड पे जो है वो गांव तक जो है ना इसी जमीन का जो फ्रंट लगता है, तकरीबन 10 से 12 एकड़ का फ्रंट होगा, तकरीबन 10 एकड़ का फ्रंट होगा, 10 एकड़ का फ्रंट इस जो रोड है ये जो कच्चा रोड है, 4 एकड़ का फ्रंट जो है वो कारपेट रोड पे है, डेरा बना हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, बाग बने लगे हुए हैं, किन्नू का बाग है, फ्रूटर का बाग है, अमरूद का बाग है, जबरदस्त जनाब। मैं तो अभी किन्नुओं का बाग देख के आया था अख्तर साहब, माशाल्लाह ये हमारे बुजुर्ग, इन्होंने बताया कि यहाँ पर फ्रूटर का बाग भी है, तो फ्रूटर का बाग भी है, किन्नुओं का बाग भी है, तो सब दोस्त जो है ना वो ये देखे ट्यूबवेल, हमारे अकम में ट्यूबवेल नज़र आ रहा है और इसका बड़ा ही मीठा पानी है। दोस्त सोच रहे होंगे जनाब रमज़ान था, मैंने रोज़े के अंदर सिर्फ कुल्ली किया है, आप ये टेंशन ना लेंगे मैंने पानी पिया है, कुल्ली करके मैंने चेक किया कि पानी बहुत अच्छा, क्यों अक्सर साहब बहुत अच्छा पानी है, ठंडा मीठा पानी। और इस गर्मी में इस धूप में आप दोस्तों के लिए ये रकबे लेके आए हैं, हमें बड़ी खुशी होगी कि सब दोस्त हमें मेरी टीम को ये अख्तर साहब को भी अप्रिशिएट करें, ये माशाल्लाह अख्तर साहब ये बड़े अच्छे हैं जी, होनहार हमारे फैसलाबाद रियल्टर की टीम के जो है ना ये बुजुर्ग हैं, इनकी दवाओं के साथ हम बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और ये राशिद है, राशिद माशाल्लाह आज ये पहली दफ़ा ये कैमरे के ऊपर आया है और ये बड़ा शर्मिला किस्म का जो है ना वो नौजवान है, लेकिन ये रकबे निकालता है, चीज़ें सर्च करता है। अब आप इसकी प्राइस को सोच रहे होंगे, तो इसकी प्राइस जो है वो 26 लाख पर एकड़ इनकी डिमांड है, 26 लाख पर एकड़ ये डिमांड जो कर रहे हैं, बाकी अगर दोस्त लेना चाहते हैं तो फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम के पास आएँ, मेरा ख्याल है आप उनको राशिद आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छे तरीके से राशिद जो ना विज़िट करवाएगा, इसको लेके आएगा, आपको सारे रोड्स का सर्वे करवाएगा कि इस साइड से रोड कितना है, इस मेन रोड से एक्सेस कितनी है और ये मोटरवे से इसकी एक्सेस कैसी है। तो आप दोस्त सारे जो देखना चाहते हैं, देखें जो दोस्त देखना चाहते हैं, चेज़ा लेने वाले दोस्त बराए करम उनसे मेरी माजरत है क्योंकि रमज़ान है, फ़ोन सुन के हम हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, चेज़ा लेने वाले बराए करम दोस्त ना आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके लिए दिलो जान से राशिद, आप भी यकीनन बहुत सारे दोस्तों को विज़िट करवाते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें अच्छे तरीके से ये रकबा दिखाओगे जी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू दोस्तों के साथ, बहुत मेहरबानी।